किचन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए एक नई सब्जी की रेसिपी लाई हूँ और वो सब्जी है मलाई मुगर। नाम सुनने में भी आपको कितना अच्छा लग रहा है और बहुत ही ये टेस्टी सब्जी बनती है। कैसे बनती है वो मैं आज आपको बताऊंगी। आज हम जो ये मलाई मुगर बना रहे हैं उसके लिए मैंने एक कटोरी मुगर लिया है, उसे मैंने 2 घंटे पहले भिगोकर रख दिया था, और कुछ ड्राई फ्रूट है वो भी हमें भिगोकर रखने हैं सब्जी में डालने के लिए। तो मोगर हमारा भिगा हुआ है, इसे हमें 3-4 पानी से धोना है। मलाई मोगर बनाने के लिए हमने आधी कटोरी मलाई ली है, आधी कटोरी हमने गाढ़ा दही लिया है, छौंक के लिए जीरा, 3-4 इलायची के दाने और हींग पाउडर लिया है। इलायची अगर आपके पास बड़ी वाली अवेलेबल हो तो आप उसे कूट कर उसके दाने निकाल कर भी यूज कर सकते हैं, उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। अदरवाइज आप छोटी इलायची के दाने निकाल कर यूज कर लें। नमक 1 चम्मच लिया है, हल्दी पाउडर 1 चम्मच लिया है, मिर्च हमने 1.5 चम्मच ली है और धनिया पाउडर 1 चम्मच लिया है। कुछ हमने पनीर के छोटे छोटे टुकड़े कटिंग किए हुए लिए हैं, आप अगर चाहें तो डालें, ये ऑप्शनल है। सबसे पहले हम दही के अंदर नमक, मिर्ची, हल्दी और धनिया की पेस्ट बना लेंगे। इस तरीके से हल्दी, नमक, धनिया और मिर्च, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि इसकी गाढ़ी पेस्ट तैयार हो जाए। पानी जरूरत नहीं है, हमने दही लिया है। पानी सब्जी बनाने में हम बाद में बॉईल यूज करेंगे, इसमें ठंडा पानी नहीं डालेंगे। पेस्ट हमारी रेडी है, अब हम कढ़ाई गैस पर रखेंगे, गैस ऑन कर दीजिए और इसमें 3 चम्मच हम तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है, गैस बिल्कुल लो फ्लेम पे कर दीजिए। अब इसमें हम इलायची के जो दाने लिए थे उसका छौंक लगाएंगे, जीरा डालेंगे और हींग पाउडर डालेंगे। अब हमने जो मसाले की पेस्ट तैयार की थी उसे हम इसके अंदर डालेंगे। हमने मसाला डाल दिया है, इसे अब हम कम से कम 2 मिनट या 1.5 मिनट तक पकने देंगे ताकि मसाले में जाली हो जाए और ये अच्छे से पक जाए। तो गैस को मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट इसे पकने दीजिए। ये देखिए मसाले में जाली होने लग गई है। अब हमने जो ये मोगर धोकर भिगोया था उसे इसमें डाल देंगे और आधी कटोरी जितना पानी हम एक साइड में उबालना रख देंगे। पहले मोगर डाल दीजिए, इसे अच्छे से इस मसाले में मिक्स कर लीजिए। पानी हमने गरम कर लिया है, इसमें ज्यादा पानी नहीं डालना है और ना मोगर को पूरा अच्छे से गलाना है, इसे हमें थोड़ा कड़ाई रखना है। मोगर को बिल्कुल से सॉफ्ट करके ग्रेवी जैसा नहीं बनाना है, तो इसमें हम आधी कटोरी पानी डालेंगे। बस पानी गरम किया हुआ लें, ठंडा नहीं लें। इसे 1-1.5 मिनट तक पकने दें। ये देखिए हमने मसाले के साथ मोगर को 1-1.5 मिनट तक पका लिया है। मोगर हमने पहले से भिगोकर भी रखा था तो ये सॉफ्ट हो गया है। इसमें अब हम ये जो मलाई हमने ली है वो डालेंगे। मलाई को फेंटना नहीं है, आप चाहें तो अगर मावा अवेलेबल हो तो मावे का भी यूज कर सकते हैं।
मलाई को इस तरीके से हिला दीजिए, गरम होते होते मलाई इसके अंदर सेट हो जाएगी। इस तरीके से मीडियम आंच पर आप गैस कर लीजिए। और जो हमने ड्राई फ्रूट भिगोए थे, काजू ली है, किशमिश लिया है, बादाम ली है, ये इसमें डाल देंगे। अब मोगर को 1-1.5 मिनट तक लो फ्लेम पर और पकाएंगे ताकि मलाई अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। मोगर में मलाई अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हमने जो छोटे छोटे पीसेस पनीर के लिए थे वो हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा गरम मसाला, आधा चम्मच लगभग, छोटी आधी चम्मच गरम मसाला हमें डालना है। और हरा धनिया कटिंग हुआ हुआ वो भी डाल दीजिए। और इन तीनों को इसके अंदर हिला दीजिए। ये हमारा मलाई मोगर तैयार है। आप सर्व कर सकते हैं। गैस बंद कर दीजिए। ये देखिए मलाई मोगर बनाना कितना आसान है। और इसमें आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि मोगर को पूरा अंदर मैश नहीं होने देना है। तो बस एक बनाने का इसी चीज का ध्यान रखें। ये बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी ये सब्जी होती है। इसे भी शाही सब्जी कहते हैं। तो आप घर पर इसे जरूर बनाएं। दोस्तों, हमने आज मलाई मोगर की सब्जी बनाई। आपको ये सब्जी कैसी लगी? इसकी रेसिपी आप आगे शेयर जरूर करें, घर पर भी बनाएं और सबको खिलाएं। थैंक यू।